नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। सभी सहारा पीड़ितों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। जैसा कि सभी सहारा जमाकर्ता अपने पैसे को लेकर काफ़ी दिनों से परेशान हैं, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में उनके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है सहारा रिफंड पोर्टल की ओर से। लगभग 10-20 दिन से सहारा रिफंड पोर्टल की ओर से कोई भी खबर या अपडेट या इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी हमारे वीडियो चैनल पर, लेकिन अब जो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का पैसा जल्द से मिलेगा और कुछ छोटे निवेशक हैं उनका पैसा जल्द मिलेगा। छोटे निवेशकों की जनसंख्या ज़्यादा है, काफ़ी संख्या में छोटे निवेशकों का पैसा डिपॉजिट है, तो ऐसी स्थिति में गरीब सहारा पीड़ित काफ़ी परेशान हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए कुछ न कुछ तो बदलाव किया ही जाएगा, क्योंकि चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव तो हर जगह होता है। काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान हैं, तो हम लोगों की परेशानियों का सामना और उसका असर कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ेगा ही। तो ऐसी स्थिति में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्या अपडेट आया हुआ है, और साथ ही साथ आप सभी को बताएंगे कि कब से आपको पैसा मिलेगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आपका पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है, सहारा की चारों सोसाइटियों में से फंसा हुआ है, देश में ऐसी कई चीट फंड कंपनियां हैं जिनमें आप लोगों का पैसा काफ़ी संख्या में फंसा हुआ है, जो भी जितना पैसा आप सभी का हो, लेकिन पैसा पैसा होता है, जिसका जितना पैसा फंसा है उसका पैसा फंसा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। काट पीट के वीडियो देखोगे समझ में नहीं आएगा, वीडियो सीरियल वाइज देखा करो, किसी का भी वीडियो हो उसको सीरियल वाइज देखना है लास्ट तक, तभी वीडियो, कोई भी वीडियो हो, समझ में आएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी किसी का भी वीडियो देखो। तो सहारा बंधु, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कृपया चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। और सहारा बंधु, आपका समय न वेस्ट करते हुए हम सीधे अपनी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सहारा बंधु, सर्वप्रथम हम आप सभी को जो नोटिफिकेशन है उसको दिखा दें, तत्पश्चात जो अपडेट है उसको बताएंगे। तो सर्वप्रथम आपको हम जो नोटिफिकेशन दिखाने के लिए जा रहे हैं, नोटिफिकेशन फिलहाल है तो ठीक, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है सहारा रिफंड पोर्टल की ओर से उसको भी देखना ज़रूरी है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। नोटिफिकेशन इस प्रकार से है, इसको रीड करते हैं सहारा बंधु, आप भी रीड कीजिएगा। सहारा रिफंड पोर्टल, सरकार ने 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को दिया रिफंड, ये लिख कर आ रहा है, सरकार ने 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को दिया रिफंड। के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर 1.5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, बहुत सारे लोगों को पैसा देना है, उनमें से भी सहारा इंडिया के पैसे को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करना है, जिसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सहारा इंडिया का पैसा दिया जा चुका है, तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार बताया जा रहा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रिफंड अभी तक दिया जा चुका है, कितनी छोटी संख्या है। और जबकि निवेशकों ने अप्लाई किया है, लगभग 12 से 13 करोड़ के निवेशक इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश के, जिसमें उन लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो ये तो आज का नोटिफिकेशन हुआ, अब हम आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि हम आप सभी को अपडेट ये देने वाले हैं,
सहारा मुख्यालय से एक बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया हुआ है। क्या अपडेट आया हुआ है उसको आप लोग जानना चाहते हैं। अपडेट ये आया हुआ है सहारा बंधु, आप लोगों ने, आप में से जितने भी सहारा जमाकर्ता हैं, सहारा पीड़ित हैं, सभी लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना आवेदन किया था, आवेदन किया भी होगा और क्लेम भी किया होगा। जिनका डिपॉजिट अमाउंट 20,000 से कम है, सहारा बंधु समझिएगा मेरी बात को, जिनका डिपॉजिट अमाउंट 20,000 से कम है, उन लोगों ने अगर क्लेम किया है और उनके पास डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा गया है, डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा गया है, ऐसी स्थिति में उनके लिए बड़ी अपडेट क्या है तो इसको मैं बताने वाला हूँ। 25 नवंबर से पोर्टल पर आप लोगों ने रिसबमिशन करने का भी प्लान बनाया होगा, क्योंकि 25 नवंबर से रिसबमिशन करने का ऑप्शन आ गया था, आया तभी तो प्लान बनाएंगे करने के लिए। तो जिन लोगों ने रिसबमिट भी किया है फिर उसके पश्चात जो है डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज नहीं हटा है, तो उनके लिए क्या बताया गया है, किस प्रकार से डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड अगर आपके में है तो सुनिएगा। नंबर एक, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फार्म अपलोड नहीं किया गया है, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फार्म अपलोड नहीं किया गया है, नंबर एक। नंबर दो है, जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, नंबर दो है, जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। नंबर थ्री है, नाम मिसमैच, नंबर थ्री नाम मिसमैच। नंबर फोर है, आधार सीडिंग। नंबर पाँच है, सिग्नेचर मिसमैचिंग। इस प्रकार से अगर आपके पास डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया हुआ है आपके फ़ोन पर, या स्टेटस चेक करने के पश्चात स्टेटस पर आपको जो स्थित वाला आइकन होता है, ऑप्शन होता है, वहाँ पर अगर आपके स्थित में लिखा है इस प्रकार से डेफिशिएंसी की जो कमियाँ हैं, तो इस प्रकार से अगर है तो आपके लिए जो है इन लोगों की लिस्ट बन रही है, लिस्ट तैयार हो रही हैं, कहीं कहीं तैयार हो गई हैं और मुख्यालय से सहारा ब्रांचेस को भेजी जा रही हैं लगातार। आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि हर जगह अभी नहीं लिस्ट भेजी गई हैं, लेकिन हाँ ये है कि हर जगह भेजी जाएंगी। मुख्यालय की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है, सहारा मुख्यालय की तरफ से, और सभी ब्रांच के पास भेजा जाएगा जिनके आवेदन में इस प्रकार की कमियां हैं जो हमने अभी बताया है, डेफिशिएंसी इस प्रकार से जो हमने बताई है। अगर इस प्रकार से आपके पास हैं तो एक बार ज़रूर डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड में आपके पास क्या मैसेज आया हुआ था हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है, तो सभी सहारा बंधु काफ़ी पीड़ित थे, क्योंकि हर छोटा निवेशक ज़्यादा पीड़ित होता है। किसी भी वर्ग में ले लो, अगर मीडियम वर्ग का आदमी होता वो परेशान रहता है, क्योंकि उसके पास हर एक प्रकार की कमियाँ रहती हैं। तो बड़ा है तो उसके पास तो कोई कमी रहेगी नहीं, रहती है, हालांकि उसको कोई साबित नहीं कर पाता, वो अपने आप ही साबित करता है। और जो मीडियम वर्ग का आदमी होता वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसी पर डिपेंड होता है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की ओर से काफ़ी बड़ा यही अपडेट था। ऐसी स्थिति में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपके लिए नया कदम उठने जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि जो लिस्ट तो बन रही हैं, आखिर पैसा कब से मिलेगा, ज़रूर आपके मन में सवाल उठता होगा। तो पैसा कब से मिलेगा इस पर मैं आप सभी को बता दूं, सहारा बंधु अभी पैसे के बारे में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आई हुई है, ना कोई क्लियर डेट बताई गई है कि आपका पैसा कब से मिलेगा। ये जो अपडेट थी कि लिस्ट तैयार हो रही हैं जिनका डिपॉजिट अमाउंट 20,000 से कम है और डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया हुआ है, केवल यही मैं आपको बताने के लिए आया हुआ था। जब लिस्ट बन जाएंगी तो पैसा भी मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर होंगे। काफ़ी दिनों से सहारा रिफंड पोर्टल पर यह भुगतान की प्रक्रिया काफ़ी स्लो मात्रा में चल रही थी और न कोई अपडेट आ रही थी। अब जो अपडेट आई है, इसके बाद में जो अपडेट आएगी मैं आप सभी को बताऊंगा। इसलिए आप चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँच सके।
तो सहारा बंधु, आपका समय न वेस्ट करते हुए हम सीधे अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।